तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन पुलाव। उसके लिए हम प्याज को ब्राउन कर देंगे और यहाँ पर टमाटर लेंगे और 3 से 4 मिर्चियाँ लेंगे हरी, और धनिए को हम अच्छी तरीके से चॉप कर देंगे। देन 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 3 से 4 तेज़पात के पत्ते, दालचीनी, इलायची और ज़ीरा, एंड देन ब्राउन की गई प्याज और चावल का अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा पानी से। देन फिर दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, देन 1/2 kg चिकन लीजिएगा। देन फिर तेल को गरम कर लीजिएगा और सारे गरम मसाले डाल लीजिएगा इसके अंदर। फिर उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा आप लोग। फिर 1/2 किलो चिकन ऐड कर लीजिएगा आप लोग, एंड फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिएगा। उसे अच्छे तरीके से ब्राउन कीजिएगा अलग से साइड पे करके। देन फिर मिक्स किया हुआ दही उसमें ऐड करेंगे, उसे फिर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर हम प्याज ऐड करेंगे जो हमने ब्राउन करके रखे थे। फिर इसे भी अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर देंगे। अब सारे मसाले इसमें डाल देंगे एंड देन फिर उसे हम मिक्स करेंगे। फिर टमाटर, हरी मिर्चे और धनिया ऐड करेंगे। फिर उसे अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। अब 2 कप पानी ऐड करके उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसे ढक देंगे। फिर उसमें हम चावल ऐड करेंगे, उसे भी फिर हम ढक देंगे। 5-10 मिनट उसे पकने रख देंगे। पकने के बाद उसे दम देंगे 10 मिनट और ये हमारे पुलाव तैयार हो चुके हैं। इसे हम ट्रे में डेकोरेट करके रख देंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करिएगा कैसे बने हैं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।